Kiddie Castle 1184 Function Rock Climber Radio Control with Chargeable Batteries and Charger. Welcome to the All in One Unboxing. आज हम unbox करने वाले हैं RC कार. ज्यादा कुछ नहीं कहते, सीधा unbox करते हैं. इसकी कीमत है 890 रुपए. इसकी अंदर क्या निकाल की हमने RC कार को हम ओपन किए, अनबॉक्स करेंगे हम. ठीक है, हमें दिख रही है हमारी RC कार. इधर से निकली तो ये रही RC कार. 4x4 4x4 चारों पहिए इसके चलते हैं. ऑफ रोड RC टूर रन ऑफ रोड परफॉर्मेंस. और इसके ऊपर पता नहीं, मेरे को नाम नहीं मालूम इसका क्या है. आपको डिस्क्रिप्शन में लिख मिलेगा, आप देख लेना, चेकआउट कर लेना. ये पड़ी हमें कि अभी आपको बता दिया है क्या लिखा हुआ है. इतना सारा लिखा है इतनी इंग्लिश आती तो यार क्या करता है यार, इंजीनियर नहीं बन जाता इतनी इंग्लिश आती तो. इधर से खुलेगी, किधर से खुलेगी. ये है रॉक क्लाइंबर 777F. इसका नाम बताने से कोई फायदा नहीं, नाम आपको मैडम बता देंगी अभी. Kiddie Castle 1184 Function Rock Climber Radio Control with Chargeable Batteries and Charger. Google Assistant. ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम लोग. ये रही कार. ये कार, हाँ इसमें पेट तो है, हाँ एक आध डेढ़ किलो तो है, पता नहीं बाकी फोन के फोन देखा वजन करके. फोन कैसे निकलेगा, वाला सेटिंग है. ये रहा इसका रिमोट. ठीक है, रिमोट है. इधर एक रेड लाइट है, इधर ये बटन पता नहीं किस चीज़ का है. इसमें दो साइड डालते हैं जो कि हमें दिए नहीं है कहीं पे भी. इधर क्या है, ये कचरा है, ये बिल है और कुछ नहीं. इसके अंदर बैटरी डाली हुई है और इसको बाहर हेडने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैटरी पूरी फेक है. इधर चार्ज लग जाती है क्योंकि इसमें माइक्रोवेव भी दी हुई है. मैंने कुछ जगहों पे देखा था कि इसमें चार्ज बाहर हेड के बैटरी लगानी पड़ती है. इसमें 4x4 दिया है लेकिन मुझे उम्मीद नहीं 4x4 है ये, क्योंकि इसके दो पहिए फ्री हैं और दो मोटर पे घूम रहे हैं. नहीं, दोनों मोटर पे हैं, डबल मोटर है. ठीक है, 4x4 ये डबल मोटर है. इधर देखिए, इसमें डबल मोटर्स हैं लेकिन इसके दो पहिए फ्री हैं और दो मोटर के साथ घूम रहे हैं. पता नहीं ऐसा क्यों है, इसको तो रिमोट से कनेक्ट करने के बाद ही मालूम पड़ेगा. और इसके अलावा बढ़िया डिजाइन है. ये पीछे का स्टेप नहीं रखी हुई है, ये नहीं चलती है. इसमें लाइट वगैरह मालूम नहीं है अंदर है या नहीं है. ठीक है, दो ड्राइवर बैठे हुए इधर की साइड. तो रिमोट में सेल लेने के लिए हमने इसमें सेल डाले, रिमोट चालू है, लाइट चल रही है. लेकिन जो गाड़ी है उसमें 500 mAh की एक सिंगल बैटरी डली हुई है जो कि एक सेल की तरह है. पता नहीं, मैंने ज़्यादातर देखा है 3 सेल की तरह बैटरी रहती है लेकिन पता नहीं वही 500 mAh की है. चलो ठीक है, चार्ज है क्योंकि ये तो सेल है, इनको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन गाड़ी को चार्ज नहीं है, उसको चार्ज लगाने गया है. उन्होंने इसको चार्ज कर लिया, 10 मिनट चार्ज किया, इसका रिमोट कनेक्ट कर लिया, रिमोट में 2 बैटरी डाली अब रेडी इसकी. और इसके ज़्यादा रेंज नहीं है, अरे अपनी मामा चुदा उधर. तो मैं क्या कह रहा था कि हमने इसको 10 मिनट चार्ज कर लिया, रिमोट कनेक्ट कर लिया, 2 रेडी इसकी 1.5 वोल्ट के सेल डाले इसमें. इसमें बैटरी डाली हुई 500 mAh की, हाँ 500 mAh की. इधर से खोल के इसको चेक किया, लगी हुई थी बैटरी, 10 मिनट चार्ज किया क्योंकि चार्ज नहीं था. और इसमें लिखा हुआ था 4x4 नहीं है, ओनली दो पहिए घूम रहा है. और ये वाले पहिए तो वैसे फ्री हैं, ये इसका जो है लेफ्ट राइट का है सब काम कर रहा है. लेफ्ट राइट वाली मोटर है, ये डबल मोटर इसलिए डली हुई क्योंकि ये लेफ्ट राइट होती है और इससे आगे पीछे होती है. इसको आप जमीन पर रखते हैं, थोड़ा चला के देखते हैं. हमने रिटर्न के लिए इतना जल्दी अप्लाई कर दिया देखिए, क्योंकि थोड़ी देर हमने चार्ज की थी लेकिन चार्ज होने के बाद भी चार्ज नहीं लग पा रही थी. फिर ओरिजिनल चार्ज से चार्ज लगाया, फिर जाकर चार्ज हुई. इसको देखिए ये इतनी दूर जा रही है, इतनी दूर जाके नहीं, अरे आइडिया सामने से क्यों ना कच्चा मुझसे कीड़ा कांटो हो. देखिए इतनी ज्यादा रेंज है, 10 फीट की होगी रेंज. और इसमें तेरी मामा चुदा फिर से उठा के हाथ में कहीं करता हूँ मैं. तो आज संदीप को बर्थडे है, चालू कर ये रहा संदीप का बर्थडे केक. आज चालू हाँ, तो इसकी जो रेंज है ज्यादा से ज्यादा 10 फीट होगी. जैसे कि हम पास करते तो इतनी दूर खड़ा हूँ, आगे नहीं जा रहा हूँ. इससे ज्यादा की रेंज नहीं है तो 20 फीट होगा लगभग. और थोड़ा पास तो लेके आ मोबाइल,
ठीक है, ऐसी जगह चल लेती है, लेकिन अब आप मोटर काम ही नहीं कर रही, करेगी ठीक है, थोड़ा सा हैंडल का यूज कर ले, ठीक है। आप देख लीजिए किस प्रकार की नाली थी, उसमें चल रही है, जैसे ही कभी कभी इसकी रेंज कम हो जाती है, सबसे कम देख रही हूँ। अच्छे से लगा देगा, 10 मिनट चार्ज किया था, 10 मिनट में 5 मिनट चली होगी, और कुछ क्या बताऊं मैं, इसमें 4x4 लिखा हुआ था लेकिन 4 पहियों पे नहीं चली, एक जो मोटर लगी थी वो वैसे भी उसके उसके लिए थी। हमने कंपनी फोन लगा पूछा, कंपनी वाली मैडम ने कहा रिटर्न के लिए अप्लाई कर दो, उसमें से ना चार्जिंग निकला, चार्जिंग का ऑप्शन था, चार्जिंग भी नहीं निकला, और इधर स्क्रू भी नहीं निकला, मतलब ऐसी कंडीशन थी कि 890 रुपए लायक इसकी कंडीशन नहीं थी कि 890 रुपए इस कार के लिए दें, इसलिए आपका मानो तो आप ले लीजिए। हमने रिटर्न के लिए अप्लाई कर दिया, रिटर्न कर देंगे हमारा मानो का, वरना कैंसिल तो हम कर ही देंगे। देख लीजिए आप अपने हिसाब से, ये रहा कचरा। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हमारा भैया चेहरा दिखा दे, कार बहुत दिखा ली भाई, दिखा हाँ ठीक है, इसमें कार अच्छे लगे हमारा चेहरा, लेकिन भारत दिखा देना हमें भी है तो मिल। रुको भाई, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, देखिए हमने रिटर्न के लिए अप्लाई किया, हमने सोचा रिटर्न के लिए अप्लाई करते हैं, थोड़ा इंतजार कर ही लेते हैं, फिर वीडियो को एडिट वगैरह करेंगे, एडिट तो करके पकड़ ली थी मैंने, लेकिन फिर एक्सपोर्ट करेंगे। उतने में एक बहुत खराब चीज हुई है कि काइंड मास्टर का हमारा सब्सक्रिप्शन तो वो खत्म हो गया, और जो न्यू सब्सक्रिप्शन है वो 11,300 का पड़ रहा है, अब हमको 11,300 का सब्सक्रिप्शन पड़ रहा है भाई, इतना महंगा सब्सक्रिप्शन नहीं लेने वाले, इसलिए आपको बड़ा बड़ा काइंड मास्टर का लोगो दिखता होगा। तो हमने रिटर्न के लिए अप्लाई किया 15 तारीख को, लेकिन हमें डेट दी उन्होंने कितनी 18 तारीख को, लेकिन उन्होंने 18 तारीख को नहीं उठाया सामान, तो उन्होंने 19 तारीख को आए और हमें न्यू कार भी दे गए, क्योंकि चार्जिंग के साथ आई है, इस बार चार्जिंग आया है भाई, और साथ ही में न्यू बॉक्स, दोनों न्यू बॉक्स हैं, और वो वाली कार वो लेके गए, और इसमें देखिए चेंजेस हुए हैं कि जो इसके पहिए हैं, ये पहले गाड़ी का कलर भी चेंज हुआ है, 500 mAh की बैटरी आई है, रिमोट वगैरह सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, और अब इसकी रेंज है जो कि बहुत बढ़ गई है, पहले 10-12 फीट तक रेंज कैच कर रहा था, लेकिन अभी रेंज कितनी हो गई है, अभी लगभग 50-60 मीटर तक कभी कभी कंट्रोल कर लेता है, बाकी मैक्सिमम तो है वो है 50-60, और जो मतलब 100% कैच करता है वो 30-40 फीट तक तो कर ही लेता है भाई, 30-40 फीट तक तो कर ही लेता है, और ज़्यादा कोशिश करें रिमोट को ऊपर के यूँ करेंगे तो और ज़्यादा भी रेंज पकड़ सकती है गाड़ी। बाकी भाई अभी तो फिलहाल गांव की लाइट बहुत कम ज़्यादा होती है, गांव की लाइट तो मालूम है हल्का चार्जिंग है, इसलिए चार्जिंग तो ख़राब हो गया है, अब तो जुगाड़ करके डोरी को काट पीट कर इधर उधर लगा के USB में फंसाएंगे, कुछ करेंगे, उसके लिए हमने एक USB अभी तैयार करके रखी है। तो भाई देखो कोई सी भी चीज़ लो, लोगों की रेटिंग देख के लेते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि रेटिंग जो पब्लिक ने दी हुई है वो चीज़ वो सही हो या नहीं भी हो, कुछ भी हो सकता है, अच्छी रेटिंग वाली चीज़ भी कभी कभी जो प्रोडक्ट हमारे पास निकलता है वो भी ख़राब निकल सकता है, वैसा ही हुआ, वैसे भी इसकी रेटिंग तो सही नहीं थी, लेकिन हो सकता है 100 में से एक बंदे के पास गलत प्रोडक्ट पहुंच जाता है या कुछ भी हो जाता है, ये नहीं बोलता मैं कि हर सेलर ख़राब है, लेकिन हाँ कुछ सेलर चोट करते हैं, क्योंकि ये भाई साहब ने करी। तो आजकल ये बढ़िया सिस्टम है, देखिए तुरंत हमने अप्लाई किया और गाड़ी तुरंत चेंज करके दे देते, पहले इंतजार करना पड़ता था रिफंड आने का ये वो, लेकिन आजकल तो प्रोडक्ट हमारे पास एक्सचेंज में भाई बहुत ज़्यादा फास्ट आने लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं जल्द।
तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।